अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उज़ैर खालिद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और मौजूद हूँ जहांगीर रोड पे। आज से एक डेढ़ हफ्ता पहले हमने आपको वीडियो बना के दिखाई थी कि इस रोड का क्या हाल है। इंतहाई खस्ता हाल रोड, तबाह हाल रोड अगर ये कहा जाए तो ये गलत ना होगा, लेकिन अब जो है बिल आखिर सुनवाई हो गई है कराची के आवाम की और इस रोड को तामीर करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से। जी हाँ, सबसे पहले मरहले में हो क्या रहा है, पहले मरहले में ये हो रहा है कि हम पहले देखते थे कि रोडों को तामीर कर दिया जाता था, लेकिन जो जिस वजह से वो रोड टूटता था उस वजह को नहीं पकड़ा जाता था या उस चीज़ को नहीं देखा जाता था कि रोड टूट क्यों रहा है या ये रोड ख़राब क्यों हो रहा है। अब क्या किया जा रहा है, अब पहले जो नाला है इस रोड का उसकी सफाई का काम किया जा रहा है, उसको सही किया जा रहा है, उस नाले को पाइपलाइनें बिछा के या उस पर जितना भी ऐसा काम किया जा रहा है कि वो जो रोड है वो वापस ख़राब ना हो। नालों के हवाले से कराची में तीन बड़े नालों पे जो है वो वफाकी हुकूमत काम कर रही है, FWO काम कर रही है, जिसमें महमूदाबाद नाला, कोरंगी नाला, औरंगी नाला और गुजर नाला शामिल है। लेकिन जो अब छोटे नाले हैं उन पे सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है। छोटे नालों पे बिल आखिर सिंध गवर्नमेंट ने ये सोचा कराची के आवाम का कि कराची के आवाम को भी जो है वो सहूलियात मैसर आ सकें, तो छोटे नालों पर सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है। छोटे नालों की काम की जो बड़ी वजह थी वो बड़ी वजह ये थी कि जो रोड है उनसे मुंसलिक जो रोड है नालों से मुंसलिक वो ख़राब हो जाते थे। जब भी बारिशें होती थी या जब भी कराची में मानसून का मौसम आता था या कोई ऐसा मौसम आता था तो रोड ख़राब हो जाते थे। अब क्या हो रहा है, अब इन नालों को हम देख रहे हैं कि 5 स्टार टू लंदी कोतल जो नाला जा रहा है उसको भी एक मॉडर्न नाला बनाया गया है और एक जदीद उस पर जो है वो काम करके उस काम को जो है वो ख़त्म किया कर दिया गया है। लेकिन अब जो जहांगीर रोड का हम काफ़ी अरसे से देख रहे थे जहांगीर रोड टूट फूट का शिकार था। जो कराची का हैवी ट्रैफिक है, मसरूफ़ तरीन शाहरा है कराची की, वो जो है यहाँ से जो मसरूफ़ तरीन ट्रैफिक है वो यहाँ से गुजरता है। ख़ास तौर पे जो दफ्तर के औकात होते हैं उस टाइम पे ये शदीद जाम रहता था, यानी कि सुबह आने वालों का या शाम को जाने वालों का जो रास्ता वो इस पर अभी भी बिलादस्तूर रहता है। तो पहले मरहले में इसके नाले का काम हो रहा है, जो साइड पे इसके नाला है उसको बनाया जा रहा है, ताकि पहले हम देखते थे पहले ये होता था कि नाला बना दिया, रोड बना दिया जाता था, नाले पे काम नहीं होता था, फिर बारिश होती थी या कोई और वजह से नाला ओवरफ्लो होता था तो उस रोड पर इफेक्ट पड़ता था और वो रोड जो है वो ख़राब हो जाता था। इसी के साथ जो रोड मुंसलिक था उस रोड पे अब जो काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि नाला बना दिया जाएगा, उसके बाद फिर इस रोड को जो है वो मुकम्मल किया जाएगा, जिसके बाद जो है हम ये उम्मीद करते हैं कि जितना भी इस पर काम हो जाएगा अब उस पर पैसा खर्च नहीं होगा, यानी कि पैसा ज़ाया नहीं होगा, पैसा खर्च होगा एक बार होगा लेकिन बार बार रोड बनता रहेगा, बार बार नाले पे काम चलता रहेगा या रोड पे काम चलता रहेगा। उससे होता ही है कि जितना भी पैसा होता है वो सारा वेस्ट हो जाता है और ना रोड किसी काम का रहता है ना फिर नाला किसी काम का रहता है। तो अब पहले नाले पे काम किया जा रहा है, फिर रोड पे काम किया जाएगा। गवर्नमेंट्स की जानिब से उनका काम जो है वो बिलाखूबी किया जा रहा है। लेकिन जो एक गुजारिश है कराची के आवाम से, वो गुजारिश ये है कि अतराफ में आबादी है और जितनी भी अतराफ की आबादी है इनसे गुजारिश ये है कि गुंजान आबाद इलाका है ये, नाले पे जो है वो कचरा फेंक दिया जाता है। हुकूमत तो बना के चली जाएगी, रहना आपने है यहाँ पे, आप रहेंगे कचरा इधर जमा रहेगा तो आपका जो रिहायशी इलाका है जहाँ पे आप रहते हैं वो गंदगी का शिकार होगी। गवर्नमेंट्स अपना काम कर रही है, गवर्नमेंट्स ने पहले अपना काम बिलाखूबी किया है, लेकिन जो असल काम है वो आपका काम है, वो आवाम का काम है कि आवाम किस तरीके से उस चीज़ को मेंटेन रखती है, किस तरीके से उस नाले में कचरा फेंकने से गुरेज करती है। यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जब मैं यहाँ पे आया अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाने, तो एक साहब अगवानी वो सरिया भर के एक बोरी में ले जा रहे थे और वो कैमरे की आँख जो है वो कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर अमूमन होता ही है कि जो सरिया जो है ये मेरे अकब में इस वक्त हो रहा है कि सरिया निकाला जा रहा है और सरिया निकाल के उसको बेचा जाता है और बेचने के बाद ये अपना गुजारा करते हैं या ये कहा जाए कि अपने नशे की आदतें जो है उसको पूरी करते हैं, उसकी जो एक तड़प है उसको पूरा करते हैं ताकि सरिया बेच के पैसे कमाए जा सकें। तो जिस कदर मेहनत से ये काम कर रहे हैं, इस कदर मेहनत से अगर हुकूमतें या इदारे काम कर लें तो ये देखें, ये सरिया निकला, ये आपको प्रॉपर तफसील दिखा दूँ मैं,
ये बड़ी मेहनत से सरिया निकाला जा रहा है और अभी आप देखते रहे स्क्रीन पे, ये मुश्किल इनको हो रही है सरिया निकालने में। ये गवर्नमेंट का सरिया है या आवाम के टैक्स पे पैसे का सरिया है जिसको बेच के या तो ये चरस आएगी या तो कोई नशावर चीज़ में ये सरिया यूज़ हो, इसका पैसा जो है सरिये का वो इस्तेमाल हो जाएगा। ये बोरी रखी हुई है साथ भाई साहब ने और बोरी में भी सरिया भरा होगा गालबन, लेकिन ये काम यहाँ पे हो रहा है। तो इस पे एज आ पाकिस्तानी, एज आ अगर ये कहा जाए कि कराची में रहने वाले होने की जिम्मेदारी हमारी है, इसकी रोकथाम हमारी जिम्मेदारी है, कचरे की रोकथाम हमारी जिम्मेदारी है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जब ये नाला खोदा गया तो कचरा पड़ा हुआ है यार, प्लास्टिक के बैग्स पड़े हुए हैं, चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो आवाम की ये जिम्मेदारी है कि हुकूमतें अपना काम कर देंगी, इदारे अपना काम कर देंगे, आपने असल में अपना काम जो है वो करना है और एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी होने का सबूत देना है, एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी होने की हैसियत से अपना फ़र्ज जो है वो पूरा करना है। और अब बस जहांगीर रोड को हम यही देखते हैं, यही उम्मीद करते हैं कि जहांगीर रोड जल्दी से जल्दी तामीर हो जाएगा और जितने भी कराची में और भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है सिंध गवर्नमेंट के खास तौर पर चल रहे हैं वो जल्द अज़ जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान उज़ैर खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।